नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी इंडिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक और एक्सपायरी हो चुकी है और हमें उसकी बैक टेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अगर उसे हम रूल बेस्ड ट्रेड करते तो हमें उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता। तो चलते हैं, ये डिस्क्लेमर, फ्रेंड्स डिस्क्लेमर देख लें, चलते हैं अपनी टेस्टिंग की ओर। तो 13 अक्टूबर की एक्सपायरी थी फ्रेंड्स, और हम जो कि ट्रेड अपनी डिप्लॉय करते हैं 6, मतलब एक वीक पहले थर्सडे को, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे डिप्लॉय करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना, जैसे कि आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ट्रेड भी शेयर किया था, बिकॉज मुझे लगा कि जो अच्छी स्टॉक्स है मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करा करूं, तो इसलिए मैंने उसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, आप लोग देख सकते हैं। उसने आज के आज ही जो है ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 359 रुपीज पर मैंने राइट्स का स्टॉक दिया था, और टेलीग्राम पे देने के बाद बहुत से यूजर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब पर तो हैं बट टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि राइट्स का शेयर तो मैंने राइट का स्टॉक दिया था 359 CMP पे, ऑलमोस्ट ये 9:28 PM AM पर शेयर किया था आप लोगों के साथ, और इसने जो है आज एंड ऑफ द डे 380 पर क्लोजिंग दी है। मेरा टारगेट इसका 400+ का है, और आज का ही हाई इसने 387 रुपीज का बनाया है, तो ऑलमोस्ट ये हमारे टारगेट के पास पहुंच गया है। तो हम यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं थे, या कुछ क्वांटिटीज अपनी निकाल सकते थे और बाकी हम आगे ट्रेल कर सकते थे। तो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें आप लोगों को ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जो मे भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उसे मैं आप लोगों के साथ साझा किया करूंगा, और आई होप उसका आप लोगों को फायदा होगा। तो चलते हैं अपनी बैक टेस्टिंग की तरफ फ्रेंड्स। एंड ऑफ द डे हम 320 पे अपनी ट्रेड डिप्लॉय करते हैं। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक भी करें। तो आप यहां पर देख रहे हैं फ्रेंड, 39,268 रुपये हमारे स्पॉट चल रहा है, और हमें 39,300 के स्ट्रेडल्स सेल करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ATM प्राइस। तो 13 अक्टूबर हमने एक्सपायरी चूज कर ली है, 39,300 का हमने कॉल एंड पुट सेल कर दिया। अब हमारे हेजेस कहाँ आएंगे? तो ऑलरेडी जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि हमारा कलेक्टिव प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पे 900 रुपीज का है। इसमें हम 200 पॉइंट दूर के फार ओटीएम, क्योंकि हमें रूल अपने बिल्कुल फॉलो करने हैं। ये नहीं कि मार्केट में आजकल बहुत बड़ी बड़ी उठक पटक हो रही है तो हम अपने रूल तोड़ेंगे, हमें रूल्स पे कायम रहना है, क्योंकि आए दिन आप रूल चेंज करोगे वो भी गलत है। हाँ, रूल में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हो सकता है कि आप हमसे अच्छा सोचें, हो सकता है कि आप हमारे रूल्स को लेके फॉलो करें, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ रूल में अगर मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट जो आप बनाए उस पर आपको फॉलो जरूर करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट कलेक्टिव प्रीमियम 900 का है, तो हम 200 पॉइंट दूर अपने जो है हेजेस बाई करते हैं। तो हमारे 39,300 पर हमने स्ट्रेडल सेल किया है, तो पुट साइड में हमारी हेज आएगी 38,200, और कॉल साइड में है जाएगी 40,400। आपकी आयरन फ्लाई रेडी हो चुकी है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 9,600 रुपये का लॉस शो हो रहा है, और मैक्स प्रॉफिट 17,800 रुपये का हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट डे। अब हमें एडजस्ट कैसे करना है? एडजस्ट का आप लोगों को ऑलरेडी
पहले की वीडियो में आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग पहली बार हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम जब ये बैक टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम राउंड फिगर के प्राइसेस को एज अ गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ओपनिंग में ही ये 39,000 आ चुका है। तो हमें ये मानकर चलना है कि मार्केट यहाँ सर हो सकता है कि सपोर्ट ले, तो हमें जो 40,400 की कॉल थी उसे 20 रूल्स के द्वारा शिफ्ट करना है। अब 20 रूल क्या है, तो यहाँ पर दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो गैप है वो 20 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो कहाँ तक है, तो ये 40,000 तक हम आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 40,000 बाई कर लिया और 40,400 को यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। हम अपसाइड में इस समय लॉस फ्री हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, और स्क्रीन पे हमें करीब 400 रुपए का प्रॉफिट शो हो रहा है। और वही नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब होगी, या तो ये ब्रेक ही बनाए या टुडे इवनिंग में हम अपने जो 200 पॉइंट दूर यहां पर हमने अपना फार ओटीएम लिया था, या तो भाई हमारा ये ब्रेक इवन आ जाएगा तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। ब्रेक इवन इस समय क्या है हमारा 38,643, मीन्स हम 38,700 के आसपास, 38,650 के आसपास में एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर हम कब एडजस्टमेंट करेंगे टुडे इवनिंग में, क्योंकि हम शनिवार संडे का एक एक्स्ट्रा रिस्क लेके नहीं जाएंगे। ये जो हमारा हमने 200 पॉइंट दूर हेज मतलब कलेक्ट हमने जो हेज बाई किया था उसे कम हमने 200 पॉइंट अंदर तो जरूर लेकर आएंगे, फिर उसमें हमारा कोई 20 रूल नहीं लगेगा। जो भी प्राइस होगा उस पर हम लेकर आएंगे, सपोज यहाँ बंद होता है या यहीं बंद होता है, कहीं भी बंद होगा हम इसे 200 पॉइंट अंदर लेकर आएंगे। इसमें थोड़ा लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमने एक रात का सिर्फ रिस्क लिया था थर्सडे नाइट का, अब हम 2 रात 3 रातों का और एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेंगे। हमें यहाँ पर टुडे इवनिंग में अगर यहाँ भी बंद होगा ना, सपोज हमारा ब्रेक इवन 38,643 है, 38,750 भी बंद होगा और इस तरफ से हमें किसी भी कंडीशन में अपने जो रूल के अनुसार जो हमें 900 पॉइंट दूर हमें हैज बाई करना होता है और हम 200 पॉइंट दूर का हैज इनिशियली क्रिएट करते हैं, मीन्स हमने 1,100 पॉइंट दूर पे एडजस्ट किया था, तो हम 900 पॉइंट पर अपनी हैज को लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जल्द से जल्द आप लोग जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत सारी मेरी चीजों डिटेल्स मैं शेयर करता हूँ, और साथ के साथ मैं स्टॉक्स भी शेयर करूंगा उसमें। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आप देख रहे हैं करीब हम 39,000 के आसपास चल रहे हैं। स्पॉट आप यहां से देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड 320 के आसपास का टाइम हो गया है और एंड ऑफ द डे हम 39,167 पे हैं। तो अब हम एक बार 20 रूल्स देखते हैं कि पुट साइड में एडजस्ट हो रहा है क्या। तो हमारी हैज कहाँ पे थी, 38,200 पे, तो फ्रेंड 38,200 पे हमारी हैज थी। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 38,400 पे हम 20 रूल के द्वारा भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें अगर ये 20 रूल नहीं फॉलो होता तो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें यहाँ पर आना ही आना था 38,400 पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कलेक्टिव प्रीमियम 900 था और हमें 900 पॉइंट दूर की हेजेस के साथ ही ट्रेड को आगे बढ़ाना था। 38,200 को एग्जिट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, अप साइड हमारा 2,000 का लॉस है और डाउन साइड में हमारा 7,000 का लॉस है। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड काफी अच्छी मैनेज हो चुकी है और हमारा जो P&L है आप देख रहे हैं करीब 1,400 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपनी वीडियोस में प्रेवियसली बता चुका हूं
कि वीकली ट्रेड में 2,000-2,500 का टारगेट ही रखा करें आप लोग, ज्यादा लालच करेंगे, बहुत छोटी रेंज होती है, बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। और बड़े प्रॉफिट के लिए आपको मे भी एक आध बार होगा, लेकिन कई बार छोटे छोटे आपके प्रॉफिट चले जाएंगे। और आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि हर विनिंग ट्रेड आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। प्रॉफिट थोड़ा हो या ज्यादा हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंस, प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लूज करते हैं ना आप, जिस ट्रेड में, जिस मंथ में, जिस वीक में आप लूज करते हैं, तो उस मंथ में आप अपना केवल पैसा नहीं गवाते, आप साथ ही साथ में अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। मैं हमेशा कहूंगा कि कोशिश ये करें कि आप ग्रीन में रहें, और ग्रीन में आप तभी रहेंगे जब आप छोटे प्रॉफिट के लिए खेलेंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि आपकी स्क्रीन पे 15,000-17,000 चल रहे हैं और मैं आप इसे ले लूं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्सपायरी के डे के लिए होता है। आपको अगर एक्सपायरी डे पे इस नोक पर, पॉइंट पर आपका कर्सर बंद होगा, मतलब मार्केट बंद होगा, तब शायद आपको इतना बड़ा ह्यूज प्रॉफिट हो पाए। तो मैं हमेशा आपके साथ यही आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिकल हो और आप प्रैक्टिकली कर पाए। ऐसा नहीं बाकी यूट्यूब चैनलों की तरह मैं आप लोगों के साथ कुछ भी इधर उधर की बातें कहूँ कि नहीं आप तो 17,000 ही लेकर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। हाँ, वो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी हो। हमेशा ये बात याद रखें, जितना रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना रिस्क कम लेंगे उतना प्रॉफिट कम रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे एकदम हमारे ब्रेक इवन पर 38,700 पे मार्केट आया है। अब हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट बनती है कि हमें 38,700 को इमीडिएटली बाई करना है, ठीक है। और हमारे जो पुट की 38,400 वाली हैज थी उसे एग्जिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। अब आपने ये किया, साथ के साथ में आप कॉल साइड नहीं आप नजरअंदाज कर सकते, आपको कॉल साइड भी एडजस्ट करना ही करना है। तो कॉल पे आपकी हैज कहाँ पे थी, कितने का लॉस है पहले तो आप ये देख लो। ऑलमोस्ट हमें इतना ही हटाना है, 5,000 समथिंग का है। अब हमारी कॉल साइड में एडजस्टमेंट कितनी थी, कहाँ पर है, 40,000 पे। 40,000 से हम दो तीन स्ट्राइक हमें जंप करने की जरूरत है, हम 38,700 तक आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये 40,000 को एग्जिट कर देते हैं। अब आप अप साइड में कंप्लीटली लॉस फ्री हैं। और अच्छा, यहां पर एक और बात है, अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता है कि यहां पर सर आपने 20 रूल कंप्लीटली फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि 20 रूल के साथ तो हम शायद यहां तक हम पहुंच सकते थे, और यहां पर तो नहीं, यहां 45,500 तक जा सकते थे, लेकिन हमने 700 तक ही क्यों गए। क्योंकि देखो, आप कितना खर्चा कर रहे हो ये भी आपको डिपेंड करना है। आपने भाई एक लोन लिया है, उससे आपको बिजनेस चलाना है। अब अगर आप वो सारा पैसा इधर उधर में उड़ा दोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कंप्लीटली आपको सिर्फ ये कोशिश करना है, मैंने बताया ना आपको कि आपकी ट्रेड में आपको लॉस ना हो, आपको ये ध्यान देना है। क्योंकि हर लूजिंग ट्रेड आपके कॉन्फिडेंस को गिराती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको पूरा प्रॉफिट ही खराब कर लेना है। अगर हम यहाँ पर अप साइड में 39,500 को ले आते हैं, तो ठीक है, ओब्वियसली हम अगर ऊपर आएगा मार्केट तो हमें जल्दी प्रॉफिट होगा या ज्यादा होगा, लेकिन क्या यहाँ से ऊपर आएगा ही आएगा ये तो आपको नहीं पता है ना। तो हमें उतना ही चलना है जितने में हमें संतुष्टि हो, हम अपने हिसाब से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, या हमारी ये ट्रेड ऑलमोस्ट लॉस फ्री हो जाए। तो इसलिए हमने यहां पर 3 स्ट्राइक की जंप किया, ठीक है फ्रेंड। अब हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम लोग अपने सेंटर के आसपास आ चुके हैं। हमें अब डाउन साइड की एडजस्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड में हमारी ट्रेड में अभी भी लॉस है। और कितने का है, समथिंग 3,300 का है। मैंने आपको बताया कि हमें ट्रेड को खाली लॉस फ्री करने के लिए अपने प्राइसेस को ध्यान देना है कि किस समय पर क्या प्राइस चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा 20 रूल फॉलो हो या ना हो, लेकिन हम इस लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पर आप देखें कहाँ पर हमारी हैज है, 38,700 पे। तो 38,700 की हैज को सिर्फ जो 20 रूल की जगह पे यहाँ पर 27 पॉइंट देने, मैंने बताया है ना कि आप लोगों को ऑलरेडी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस बारे में अच्छे से पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रूल में आप अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं जब आपकी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ आपके थोड़े से रूल एडजस्टमेंट से सेफ्टी मांग रही हो। जो लोग मेरे साथ मंथली आयरन फ्लाई करते हैं उन्हें इस चीजों को बारे में बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं जो है बहुत ही मिनिमम एक नॉमिनल सी फीस के साथ अपनी पेड मेंबरशिप भी चलाता हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़ने चाहता है वो लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं अपनी मंथली आयरन फ्लाई ट्रेड जो है अपडेट देता हूँ, साथ के साथ उसके एडवांस एडजस्टमेंट भी अपडेट करता हूँ टाइम टू टाइम। जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं मैं शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वारी होती है तो उसे भी रिजॉल्व करता हूँ अपने पर्सनल चैट में, जिसकी बहुत ही नॉमिनल सी फी रख रखी है मैंने, 300 रुपीज पर 1 मंथ के लिए, 500 रुपये 2 महीने के लिए, और 600 रुपीज 3 मंथ के लिए। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फर्दर डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से पेमेंट डिटेल को आप चेकआउट करके पे कर सकते हैं और हमारे साथ नेक्स्ट मंथ से जुड़ सकते हैं। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि हमें अपनी एडजस्टमेंट को उस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मार्केट की कंडीशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर अपनी सेट ये जो था इसे 38,900 ले आते हैं और 700 को एग्जिट कर देते हैं। अब फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ट्रेड कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुकी है, आप ऑलरेडी अपने टारगेट के बहुत नजदीक हैं। 2,000 रुपये का मैंने आपको बताया, 2 से 2,500 का टारगेट लेना चाहिए, तो हम 2,000 या 2,500 जो भी स्क्रीन पर आएगा उस पे मान के चलेंगे कि हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। करीब 2,000 हमें टारगेट अचीव हो चुका है, देखते हैं और आगे 2,500 मिलते हैं क्या। करीब हमें 2,2100 के आसपास मिल रहा है प्रॉफिट। अभी भी हम लोग 2,100-2,200 पे ही चल रहे हैं, जबकि ऑलमोस्ट ट्यूसडे की एंड आने वाला है। करीब हम 2,350 पर पहुंचे हैं, यहाँ फ्रेंड हमें अपना टारगेट अचीव हो चुका है। बिल्कुल आपको लालच नहीं करना चाहिए, 2,500 रुपये आपका वीकली प्रॉफिट बहुत हैंडसम प्रॉफिट है, आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर एक कंडीशन और भी डाल सकते हैं, जो मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करेंगे तभी आप ट्रेड में लॉन्ग टर्म रह पाएंगे, मार्केट में लॉन्ग टर्म रह पाएंगे। तो अगर आप 2,500 रुपये का जो भी आप अपना प्रॉफिट मानते हैं तो 1:1 की ट्रेड जरूर रखें। मींस इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपने 2,500 रुपये का प्रॉफिट का टारगेट लिया तो आपने ट्रेड को एडजस्ट तो जो मैंने रूल बताया उसके द्वारा करते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी आपकी ट्रेड मान लो गैप अप गैप डाउन से बिल्कुल भाग गई, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली ऊपर या नीचे हो गई, तो
तो आपकी स्क्रीन पे जब भी 2500 का अगर प्रॉफिट आपने टारगेट माना है तो लॉस भी 2500 जब भी दिख जाए आपको उस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। आपको ये मान लेना चाहिए कि ये वीक आपका नहीं है और आप इस ट्रेड को छोड़ दें। तो इस चीज को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, ये मेरा आप लोगों को सजेशन है। बाकी भाई आप लोग अपने अनुसार करें, ये आप लोगों की वो है। तो हम इसे फ्रेंड लास्ट तक लेके जाते हैं, एक्सपायरी तक क्या होता है, बाकी हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है, 3200 रुपये मिलने लगे। फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। और सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पुराने सब्सक्राइबर है और प्लस जो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मार्केट डाउन साइड में क्लोज होने जा रहा है और 325 हो गए हैं और हमें रेंज के बाद 218 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अपना टारगेट ना लेने की वजह से आप जहां से शुरू किया था आपने वहीं पर। हाँ ये जरूर है कि आपको लॉस नहीं हो रहा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमने अपने टारगेट को छोड़ा, ये एक गलत बात है। तो मैंने हमेशा बोला है कि अपने टारगेट को लें, टारगेट के लिए वेट भी करें। ऐसा भी नहीं है कि आप 1000 रुपये मिले, 1200 रुपये मिले और आप ट्रेड को एग्जिट कर दें, क्योंकि 1000-1200 रुपये आप से फिर आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया ना, अगर आपका टारगेट 2500 है तो स्टॉप लॉस भी 2500 रखना चाहिए आपको। तो 2500 का स्टॉप लॉस आपका आने में देर लगेगी, वो बहुत बड़ा गैप अगर हो जाए या गैप डाउन हो जाए 1500-2000 पॉइंट का, उस दिन शायद आपको डायरेक्टली 2500 का लॉस स्क्रीन पे नेक्स्ट डे ही दिख जाए, वरना आपको 2500 रुपये इतनी जल्दी नहीं दिखेंगे स्टॉप लॉस, उसमें आपको टाइम लगेगा। और आप जब तक मार्केट को टाइम दे सकते हैं, देखो मार्केट में आपकी दो चीजें जीताती है आपको, एक बात हमेशा याद रखना, एक टाइम जिसमें आपको मार्केट को टाइम देना पड़ता है, और साथ के साथ आपका स्टॉप लॉस कितने टाइम बाद बीट हो रहा है। तो टाइम बाद कितनी समय में आपका स्टॉप लॉस बीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने बताया कि हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर आप जिस तरीके से ट्रेड को मैनेज करोगे, उसमें आपका 2500 रुपये का अगर आप टारगेट ले रहे हो तो 2500 का स्टॉप लॉस भी इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो उसी केस में आएगा जिस केस में आपका ट्रेड ऑलरेडी बहुत नेक्स्ट डे ही 1500-2000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन आएगा, तो आपको 2500 रुपये का स्टॉप लॉस दिख जाएगा। तो उस केस में आपको एग्जिट भी कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हमें मैनेज आप इस ट्रेड को उस वीक के लिए कम से कम, हो सकता है रिटर्न आ जाए लेकिन मे बी हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड को भी आप लोग चले अगर मार्केट में लंबे समय तक काम करना है तो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ के साथ जिनको मेरे साथ अगर ट्रेड को आगे बढ़ना है, मंथली ट्रेड करनी है, जो कि एक हम सेफेस्ट वे के द्वारा कोशिश करते हैं और उसमें मैं अपनी वो करता हूँ, आप इसमें लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये फीस पे करके आप ट्रेड ही डिप्लॉय करें, आप इसे एज अ ऑब्स्ट्रा पे डिप्लॉय करके मेरी ट्रेड को भी सीख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।